जब से कैलाश ग्रेटर नोएडा को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट किया गया था इस पैंडमिक के दौरान, तब से तकरीबन अब तक 2200 मरीजों का इलाज यहाँ पे किया गया है, जिसमें 97% सक्सेस रेट है हमारा, जो मरीज अच्छे से इलाज करा के यहाँ से डिस्चार्ज होकर छुट्टी लेके घर गए और अपना जीवन जीवन की जो दिनचर्या है आराम से कर रहे हैं। और फॉलो अप में भी वो मरीज आते हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हुए हैं मरीजों को, तो उसका भी वो लोग बराबर ट्रीटमेंट में ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ ओपीडी में दिखा रहे हैं। उस समय हम लोगों के सामने दो मुख्य कारण था। एक तो समय चैलेंज का कि हमें नॉन कोविड पेशेंट और कोविड पेशेंट दोनों को सुविधाएं देनी थी, तो हमने बिल्डिंग को दो भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें बी ब्लॉक हमने कोविड कर दिया था और ए ब्लॉक हमारा नॉन कोविड था। तो हम दो तरह के इमरजेंसी भी चला रहे थे, एक इमरजेंसी हमारी थी कोविड मरीजों के लिए और एक इमरजेंसी थी नॉन कोविड मरीजों के लिए, ताकि नॉन कोविड मरीज को भी असुविधा ना हो और कोविड को भी असुविधा ना हो, इस तरीके से किया गया था। और अब हम लोग चूँकि कोविड एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है और अब कोविड के मरीज भी नहीं हैं, तो अब हम लोग ने इसको पूर्णतः नॉन कोविड कर दिया है। ओपीडी तो चालू हैं बराबर हैं, लेकिन अब जो कोविड का है वो सारे, क्योंकि अब कोविड के पेशेंट नहीं है तो कोविड की जो इमरजेंसी है वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। जो हमारी SOPs बनी कोविड को हैंडल करने के लिए और जिस गाइडलाइन को हमारी टीम ने बैठ के बनाया, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए, सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन, और उसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ही कम स्टाफ जो कि संक्रमित हुआ, और जो संक्रमित भी हुए वो या तो माइल्ड संक्रमित हुए या मॉडरेट संक्रमित हुए, कोई भी मेरा स्टाफ सीवियर संक्रमित नहीं हुआ। और जो माइल्ड और मॉडरेट हुए वो ठीक होके, हम लोगों ने उनका इलाज किया और वो ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। सर, अब कोरोना का कहर तो खत्म हो गया, तो अब माना जाए जैसे ग्रेटर नोएडा का जो हमारे कैलाश अस्पताल है वो नॉन कोविड हो जाएगा, तो क्या प्रिकॉशन, सावधानी क्या उसमें डिलाई की जाएगी या और ऐसे ही सावधानी? नहीं, सावधानी जैसा कि अथॉरिटीज़ का भी कहना है कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी हमें फेस मास्क लगाना है, दो गज की दूरी मेंटेन करनी है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, तो वो हम लोग उसको फॉलो करते रहेंगे। और आप देखे भी रहे होंगे कि एंट्री पॉइंट्स पे सारों पे सैनिटाइज़र लगे हैं, ऑटोमेटेड लगे हैं या मैनुअल लगे हैं, साथ में फेस मास्क भी सारा मेरा स्टाफ लगा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो हम लोग जो प्रिकॉशन है वो लेते रहेंगे फिलहाल। वैक्सीनेशन का क्रम आज से ही हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो आज 100 लोगों का वैक्सीनेशन होने का टारगेट रखा गया है, जो कि 5 बजे तक शाम तक कंप्लीट होने की संभावना है। सर, कैसे मेडिकल स्वास्थ्य कर्मियों को आप जागरूक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, अगर वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या तैयारी? उसके लिए पूरे जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की गई है। हम लोगों ने पीछे नेचुरोपैथी में डेडिकेटेड रखा है, वहाँ पे चेंबर्स बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, एक अपनी पूरी टीम है AFI की जो सारा कुछ रिकॉर्ड करेगी इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है, और तुरंत तो उसको हम लोग अटेंड करेंगे अगर ऐसा कुछ भी हुआ, उस मरीजों को टेक केयर किया जाएगा ऐसा। लेकिन अभी तक सुबह से वैक्सीनेशन चल रहा है, कुछ भी इस तरह की रिएक्शंस या कुछ भी ऐसा संज्ञान में अभी नहीं आया हम लोगों के। सर, बात की जाए तो क्या कौन सी वैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड या फिर वही जो वैक्सीन गवर्नमेंट कोविशील्ड और वो है, वही लग रही है वैक्सीन? सर,